राज्यसभा में 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2017 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन विधेयक 2017 पारित होने के साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हासिल हो गया। मंडल आयोग की अनुशंसा लागू होने के बाद भी आज पूरे भारत में सब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी अभी भी कई राज्यों में 27% आरक्षण नहीं है। जब हम एक संवैधानिक आयोग देंगे तो संवैधानिक आयोग को यह ताकत होगी कि वो ये पता लगा सके कि 27% न देने का क्या कारण है। सर, एससी का इश्यू अलग है, एसटी का इश्यू अलग है, ओबीसी का इश्यू अलग है। आइडेंटिफाइंग एससीज इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड एज फार एज द ट्राइबल्स आर कंसर्न्ड दैट दे कैन आल्सो बी इजीली आइडेंटिफाइड। सर, इट इज द टफेस्ट जॉब टू आइडेंटिफाई हु इज ओबीसी एंड हु इज नॉट ओबीसी। बिहार में बनिया ओबीसी में, अदर पार्ट ऑफ द कंट्री दे आर अपर कास्ट। वाल्मीकिज आर एसटीज इन कर्नाटका, वेयर एज वाल्मीकिज आर एससीज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कर्नाटका। दिस इज वेयर देयर इज अ नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर एनसीबीसी। सर, कितने कमीशन के पास जा सकता है, मतलब एक आदमी? अच्छा, आप क्रिश्चियन होने के कारण आप वहां पर भी जा सकता है माइनॉरिटी में, आप शेड्यूल ट्राइब्स में भी जा सकता है, और आप गरीब है इसलिए सोशली अगर 3 कमीशन में एक आदमी बार बार पिटीशन देगा तो ये क्या हो सकता है? देखिए संसद संवाद सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।